नमस्ते दोस्तों, आज मेरी बजट की रसोई में मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। आज मेरे मन में एक सवाल आया, मुझे लगा कि सभी भारतीयों के मन में वो सवाल होगा। उस सवाल का जवाब आप कमेंट करके दें। एक गरीब की थाली में दो रोटी, एक प्याज और एक मिर्ची, इससे ज़्यादा वो सोच भी नहीं सकता है। कभी कभी कोई खुशी हुई तो पकवान या सेवई बनाकर खा लेता है, कभी कभी तो ये भी नसीब नहीं होता है। आइए एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में देखते हैं कि वो क्या खाता है। एक मिडिल क्लास का परिवार महीने के पहली तारीख से लेकर 15 तारीख तक पहले तो सलाद, उसके बाद चावल और सब्जी, हरी सब्जी और दाल, और उसी के साथ साथ कुछ भजिया भी बना लेता है और ये देखिए पराठे भी बना के, और उसके साथ अचार। ये हमारे मिडिल क्लास फैमिली की काफ़ी नॉर्मल सी खाना है जो एक मिडिल क्लास फैमिली 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में खाता है। अब हमारे देश में GST बाकी चीज़ों पर लगा दी गई है, आटा, दाल, चावल, तो बेचारा गरीब क्या खाएगा और मिडिल क्लास की फैमिली का क्या होने वाला है। और इसी साथ अपनी उच्च क्लास की पर उस वक्त इसका GST का क्या असर होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।